हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल गुरप्रीत्स वर्ल्ड। आज मैं वीडियो बना रही हूँ ओथे प्लस के फेशियल किट के ऊपर। ओथे प्लस को कोई भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही फेमस ब्रांड हो गया है आजकल। सारे सैलून्स में आपको ये फेशियल किट मिल जाएगी, आपको बाहर बोर्ड पे दिख जाएगा ओ थ्री प्लस फेशियल, ये इतना फेमस फेशियल है। ये प्रीमियम फेशियल है और इसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। और जिस किट के ऊपर मैं वीडियो बना रही हूँ, ब्राइडल फेशियल किट रेडियंट एंड ग्लोइंग स्किन, ये ओ थ्री प्लस का सबसे बेस्ट फेशियल किट है। इसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आते हैं। यहाँ पे लिखा है ब्राइडल किट, इसका मतलब ये नहीं कि इसे ब्राइडल ही से यूज़ कर सकते हैं, कोई भी इसे यूज़ कर सकता है। आप एवरी मंथ ये फेशियल करवा सकते हैं, इससे स्किन बहुत अच्छा होता है। चीज़ ये होती है कि जब हम ये फेशियल करते हैं तो ऐसा लगता है कि हमने अपने स्किन को वो सारी चीज़ें दे दी है जिसकी उसे रिक्वायरमेंट थी। तो इतना सूथिंग और इतना फ्रेश लगता है स्किन, ऐसा लगता है कि इस किट ने जितनी भी वॉर्म्थ थी हमारे चेहरे पे, सारी वॉर्म्थ निकाल दी, सारी वॉर्मनेस निकाल दी और चेहरे को एकदम एक ग्लोइंग और काफ़ी अच्छा एक टेक्सचर और क्वालिटी बना लेता है स्किन का। ये तो ये बहुत हाईली रिकमेंडेड फेशियल है मेरी तरफ से। तो इसका जो स्टार इंग्रेडिएंट है वो भी मैं आपको बताऊंगी बाद में जैसे वो आएंगे। आप सैलून में जाके भी फेशियल के लिए ऑप्ट कर सकते हैं, या फिर आप ये किट लाके घर पे भी अपना फेशियल खुद कर सकते हैं। अगर आपको मसाज आती है तो आप खुद कर सकते हैं, नहीं तो अगर कोई और है जो मसाज कर सकता है आपके लिए तो आप उससे करवा सकते हैं, जैसे भी आपको प्रेफरेबल है। सैलून में जाके भी आप ये वाला फेशियल को ऑफ कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ किट एक्चुअली अंदर से कैसे दिखती है और इसमें क्या क्या होता है। तो इसमें ऐसे तीन मास्क मिलेंगे आपको, तीन ऐसे, साथ में आपको एक ऐसा फेशियल किट मिलेगा अंदर। ये थोड़ा सा टूटा हुआ है क्योंकि मैंने इसे यूज़ किया है, तो मैं आपको एक एक करके बता देती हूँ। इसके अंदर 10 स्टेप्स है टोटल। नॉर्मल फेशियल में 5 स्टेप्स होते हैं, जो क्लेंजर होता है, स्क्रब होता है, देन मसाज क्रीम होती है या पैक होता है, बट इसके अंदर 10 स्टेप्स है। इसे एडवांस फेशियल में काउंट होता है बिकॉज इसके अंदर 10 स्टेप्स है। हम एक एक करके स्टेप्स देख लेते हैं। फर्स्ट है क्लेंजर, जो नॉर्मल बेसिक है, जिसको क्लेंजर मतलब कि क्रीम लगा के आपको पूरा मसाज करना है ताकि जो भी आपके पहले से कुछ डस्ट है या कुछ मेकअप है वो सब निकल जाएगा। एंड देन इज डिटैन पैक, ये पैक लगा के आपको 10 मिनट या 15 मिनट तक रुकना है एंड देन उसको साफ कर लेना है। एंड देन इज वाइटनिंग टॉनिक, तो ये ऐसे आएगा आपको वाइटनिंग टॉनिक, जो इसे आपको स्क्वीज करके अप्लाई करना है सब जगह पे और उसको अच्छे से मसाज करना है। ये टॉनिक को आप अच्छे से पेनिट्रेट करने के लिए आप कोई मशीन्स का यूज़ भी कर सकते हो, नहीं तो आप अच्छे से ऐसे ही उसको मसाज करके अच्छे से पेनिट्रेट कर सकते हो। देन इज वाइटनिंग मसाज क्रीम, यहाँ पे मसाज क्रीम है जो ऐसे आएगी आपको यहाँ पे, ये मसाज क्रीम, इसमें से क्रीम निकाल के आपको अच्छे से सब जगह पे मसाज करनी है। फॉर 10 to 15 मिनट्स आपको मसाज करनी है, देन पोस्ट देना है। देन इज वाइटनिंग सीरम, ये ऐसे आएगा आपको वाइटनिंग सीरम, जो आपको अच्छे से स्क्वीज करके अगेन आपको मसाज करनी है या मशीन से पेनिट्रेट करनी है। एंड देन इज अर्बुटिन जेल सीरम, जो इधर है अर्बुटिन जेल सीरम, ये अगेन इसको ऐसे स्क्वीज करके आपको लगाना है एंड अच्छे से मसाज करनी है। उसके बाद आता है फेशियल पावर मास्क जेल प्लस पावर मास्क पाउडर। तो ये आपका ये रहा मास्क जेल और मास्क पाउडर, तो इसमें पाउडर है और इसमें जेल है, ये दोनों को आपको मिक्स करना है एक बाउल में, मिक्स करके आपको अप्लाई करना है। ये है स्टार इंग्रेडिएंट ऑफ दिस किट। तो जब आप ये लगाओगे तो इतना ठंडा ठंडा सा, कूलिंग कूलिंग सा फील होता है। ऐसे फील होता है कि इसने जितना भी वेयर एंड टेयर हुआ था स्किन का, जितना भी स्किन का डैमेज था या जितना भी वॉर्म्थ था स्किन में, सारी वॉर्मनेस इसने निकाल दी है। ये मेरा बेस्ट मास्क है, गो टू है, वॉट एवर यू से। और ये लगाने के 10 या 15 मिनट्स के बाद ये सूख जाता है और इसको पील करना होता है, ये पील ऑफ मास्क है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ नोट कीजिए, इसको कभी भी वॉश मत करना, अगर इसमें पानी लग गया तो ये सब जगह पे जाएगा, बालों में, यहाँ वहाँ यहाँ, फिर आपको पूरा नहाना पड़ेगा और पूरा हेयर वॉश करना पड़ेगा और आपको आपके 2 घंटे तो ऐसे ही जाएंगे वो सब निकालने में। तो इसको पील ऑफ करना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, याद रखना, पील ऑफ मास्क है, पील ऑफ करके निकालना। देन
लास्ट इज अर्बुटिन पाउडर मास्क, जो एक और मास्क है। यहाँ पे आपको तीन ऐसे सैशेस मिलते हैं, एक में जेल है, एक में पाउडर पावर मास्क है, और एक में अर्बुटिन पावर मास्क है। ये लास्ट स्टेप है अर्बुटिन पावर मास्क। इसमें अगेन एक पाउडर है जिसको आपको पानी में मिक्स करना है और आपको अप्लाई करना है, एंड देन ये वाला आपको पानी से वॉश करना है, एंड देन आपको ये पानी से वॉश करके डन, आपके सब स्टेप्स हो गए, एंड ये फेशियल फेशियल हो गया आपका। एंड लास्ट इन्होंने यहाँ पे दिया है वाइटनिंग क्रीम SPF 30, जो सनस्क्रीन है, जो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आप ये सनस्क्रीन अप्लाई करके अपने घर से बाहर निकल सकते हैं। ट्रस्ट मी, ये फेशियल करके आपको ऐसे लगेगा जैसे बस मैं अप्सरा बन के ऊपर से उतर गई हूँ। नहीं, सच में बहुत अच्छा फेशियल है, बहुत अच्छा सूथिंग इफेक्ट देता है। और ये मशीन्स हैं जो आप कोई भी मशीन को यूज़ कर सकते हैं पेनिट्रेट करने के लिए अपने सीरम्स। इसमें एक ये रेगुलेटर है जो अंडर आइज़ के लिए होता है, जिससे अंडर आइज़ को आप कर सकते हो ताकि अंडर आई में अच्छे से पेनिट्रेट हो। एंड देन देर इज़ वन मोर विच इज़ यूज ऑन फेस, इसको आप फेस पे ऐसे करके आप इसको अच्छे से पेनिट्रेट कर सकते हो। एंड जो लोग सैलून्स में काम करते हैं वो ये फेशियल के साथ ये मशीन इंक्लूड करके अपने फेशियल्स को और ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हो, और थोड़ा सा इसमें आप कॉस्ट का भी देख सकते हो कितना अगर ज़्यादा चार्ज करना है आपको। नॉर्मली 1200 के ऊपर जो फेशियल्स होते हैं उसमें ये मशीन्स फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, बट इस मशीन को यूज़ करने से आप अपने फेशियल्स को और ज़्यादा ग्लो लाएँ ऐसा बना सकते हो। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड टूडे। इसके अलावा आप कौन से वीडियोस मेरे चैनल पे देखना चाहेंगे ये प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय।